इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड यानी कि रक्त। दोस्तों ब्लड जो है एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है एंड ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा से एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% एंड प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का विस्कस फ्लूइड है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट दोस्तों एराइथोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एराइथोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड टॉपिक से दोस्तों आप लोगों का चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या फिर आप लोगों का नर्सिंग का एग्ज़ाम हो या फिर आप लोगों का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो, इससे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो में जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है उन सब का या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या फिर आप लोग चाहें तो आपकी मर्जी इस नोट डाउन भी करके रख सकते हो। तो सबसे पहले है ब्लड, ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है एंड ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में मैंने आपको बताई दिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम इराइथोसाइट्स है एंड डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, या इराइथोसाइट का दूसरा नाम आरबीसी, ल्यूकोसाइट का डब्ल्यूबीसी। तो इधर से इधर, इधर से इधर आप लोग कैसे कर सकते हो। एग्जाम में अगर इराइथोसाइट दे रखा है तो मतलब है आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स का नाम है दूसरा थ्रोम्बोसाइट्स, तो आप लोग इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का विस्कस फ्लूइड है। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। दोस्तों देखो प्लाज्मा में जो मेजर पार्ट है प्लाज्मा का वो तो वाटर ही है 90 से 92% एंड 6 से 8% प्रोटीन होती है, कुछ मिनरल्स एंड कुछ न्यूट्रिएंट। वाटर परसेंटेज है 90 से 92% एंड प्रोटीन 6 से 8% एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट। मिनरल कौन कौन से प्रेजेंट होता है दोस्तों? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट। एंड न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज एंड लिपिड। प्रोटीन होती है दोस्तों फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन का फंक्शन होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड ग्लोटिंग एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो आरबीसी से ही है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। आरबीसी, एक हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी का जो नंबर होता है एक हेल्दी एडल्ट में वो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर की क्यूब एंड डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000 पर मिलीमीटर की क्यूब एंड प्लेटलेट से 1.5 से 3.5 लाख। डब्ल्यूबीसी होती है 2 टाइप्स की, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल है दोस्तों बेसोफिल्स, ओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ओजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले आरबीसी। आरबीसी इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल। देखो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो है वो तो मिलियंस में है, प्लेटलेट लाख्स में एंड डब्ल्यूबीसी हज़ार में। तो सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी। तो पहली लाइन ये बता रही है कि मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल। आरबीसी बनती कहाँ पे है? फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है एंड न्यूक्लियस इनमें अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट एंड बाइकोन केव इन सेप। हैव आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यानी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। एंड ड्यू टू हीमोग्लोबिन आरबीसीज आर रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड। अगला क्वेश्चन है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। यानी कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में आरबीसी का 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। एंड फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1 Hb 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज एंड ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लिन। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए आप लोग ये जितने भी मैंने लाइन बता रखी है आरबीसी के बारे में इनसे क्वेश्चन आने का, किसी भी लाइन से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। तो आप लोग सारे के सारे इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये अब ले लो, ले लिया।
चलो अब पढ़ते हैं हम WBC के बारे में। WBC न्यूक्लियेटेड होती है एंड WBC में पहला है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में एंड सीक्रेट हिस्टामिन सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। बेसोफिल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सीक्रेट हिस्टामिन सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। ओजिनोफिल्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक सेल होती है विच डिस्ट्रॉय फॉरन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स ये दोनों फेगोसाइटिक सेल होती है, ये फॉरन ऑर्गेनिज्म जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है न्यूट्रोफिल्स का एंड मोनोसाइट्स का। लिम्फोसाइट टू टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो WBC हमने पढ़ लिया है। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड कंटेन 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर की क्यूब। एंड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। NCERT में इनके डायग्राम दिखा रखे हैं, RBC प्लेटलेट्स एंड ये जितनी भी है दोस्तों इधर WBC है। यहाँ पर RBC दिखा रखी है एंड ये प्लेटलेट्स है, ये ओजिनोफिल्स है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इधर मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। एक बार और देख लेते हैं इनको, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो प्लेटलेट्स का एंड इसके बाद है WBC, RBC का आपने ले लिया होगा एंड ये फॉर्म्ड एलिमेंट, देन प्लाज्मा एंड ब्लड। ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टेड टिश्यू है, मिलकर बना होता है ब्लड प्लाज्मा से एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का विस्कस फ्लूइड है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है दोस्तों RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। फिर है प्लाज्मा, वाटर कंटेंट होता है 90 से 92% एंड प्रोटीन 6 से 8%, मिनरल सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट ग्लूकोज एंड लिपिड। प्रोटीन फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन का काम होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लोटिंग। एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अगर अबंडेंसी का ऑर्डर पूछता है तो सबसे ज़्यादा RBC, देन प्लेटलेट्स, देन WBC। RBC एक हेल्दी एडल्ट में होती है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर की क्यूब। WBC 6 से 8 हज़ार पर मिलीमीटर की क्यूब एंड प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर की क्यूब। एंड RBC 5 से 5.5 मिलियन एंड WBC होती है टू टाइप्स की, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल है बेसोफिल्स, ओजिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। RBC मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल एंड RBC बनती कहाँ पर है, रेड बोन मेरो, न्यूक्लियस अब्सेंट एंड बाइकॉनकेव शेप। हैव आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ड्यू टू हीमोग्लोबिन RBC आर रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन के कारण RBC का कलर कैसा होता है, रेड। एंड 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एंड फिर है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एंड लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन ऑफ RBC 120 डेज एंड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्पिलिन। WBC न्यूक्लिएटेड एंड बेसोफिल्स का काम है सिक्रेट करना हिस्टामिन सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ओजिनोफिल्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन एंड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक होती है, डिस्ट्रॉय कर देती है फॉरन ऑर्गेनाइजम को जो भी हमारी बॉडी में एंटर करता है। एंड लास्ट वन लिम्फोसाइट टू टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी।
अब है दोस्तों प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड कंटेन 150,000 से 350,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर की क्यूब, एंड प्लेटलेट इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, एंड ये इनके डायग्राम दिखा रखे हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।